ड्रेस देख के आप समझ ही गए होंगे और पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई होगी, पर मैं जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको बता दूं कि लास्ट ईयर सेम टाइम हमारे ऑफिस का टूर्नामेंट हुआ था जो हम जीत भी गए थे, एंड एज लास्ट ईयर मुझे बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, तो थोड़ा नर्वसनेस है क्योंकि आज हमारा पहला मैच है, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं टीम की भी, और क्योंकि मैं जो अपोनेंट टीम उनकी नज़रों में भी आ चुका हूँ तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो मैं फ़िलहाल होता हूँ फटाफट से तैयार एंड फिर मिलते हैं सीधे ग्राउंड में। सो वेलकम टू द चैनल गाइस, एंड जो ये वीडियो या ये चैनल फर्स्ट टाइम आया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो मौसम थोड़ा चेंज हो गया एंड फिलहाल क्रिकेट का फीवर चल रहा है, एंड जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि टुडे आज हमारा क्रिकेट का मैच है ऑफिस की टीम का, एंड वेरी एक्साइटेड फॉर द मैच। साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, सो डबल एक्साइटमेंट है। तो इंडिया में ऑलरेडी क्रिकेट का फीवर चल रहा है, तो मैं निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ, एंड थोड़ी देर वार्म अप करके प्रैक्टिस करके ऑलमोस्ट मैच हमारा 7 बजे शुरू हो जाएगा। सो मैं कनेक्ट करता हूँ, ग्राउंड में पहुँच गया। सो फाइनली आफ्टर वार्म अप एंड एवरीथिंग हम ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है क्योंकि ऑलमोस्ट साल के बाद उतरे ग्राउंड में, तो ग्राउंड पिच पुच देख के फिर से डर सा लगने शुरू हो गया, एंड बस थोड़ी देर में टॉस होने वाला है। पिच रिपोर्ट देना चाहोगे? दिल्ली पिच रिपोर्ट है। बॉल फिसलेगी, धूप निकलेगी तो सूख जाएगी, लगे हुए हैं पिच को साफ करने में, देख सकते हैं आप। लेना सिक्का कोई चुराए ना। बॉलिंग वाला पार्ट तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट वी हैव टू चेस 50 रन्स। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं फीमेल प्लेयर के साथ क्योंकि एक फीमेल प्लेयर को खिलाना ज़रूरी है, तो स्टार्टिंग उनसे कर रहे हैं। सो मैच हम जीत चुके हैं, मैच का मोमेंट ज़्यादा कुछ कैप्चर करा नहीं है, बट बहुत ही आसानी से 50 रन को चेज करते हुए मैच बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। अब घर जाके इंडिया और पाकिस्तान के मैच की तैयारी करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। सो घर जाने से पहले मैंने सोचा है कि बम्पर का काम है ये करा लेता हूँ। जब गाड़ी लास्ट ठीक होने को दी थी तब से ये वाली लाइट जल नहीं रही है, और हो सकता है मेरा प्लान बने घूमने का भी, जो किंतु परंतु अभी, पर गाड़ी का काम तो करा ही लेता हूँ फिलहाल, वेट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन का। सो गाड़ी ठीक करा के मैं घर पहुँच चुका हूँ, और फिलहाल मैं हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड, और मैं सोच रहा हूँ मैच शुरू होने से पहले थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और आज क्या की क्या है, क्या है ज्ञान का आज? स्केटिंग कॉम्पिटिशन। तो उस ज्ञान का आज स्केटिंग कॉम्पिटिशन है, तो शायद मैं तो नहीं जा पाऊंगा, पर आगे का ब्लॉग जो है वो पूजा संभालेगी, जिसमें हम दिखाएंगे ज्ञान का स्केटिंग कॉम्पिटिशन। तो मैं होता हूँ फ्रेश और थोड़ा रेस्ट करके फिर। तो खेल के आया हूँ तो मुझे थोड़ी सी थकान सी फील हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मिल्क शेक पीता हूँ। तो पूजा को मैंने बोला कि मिल्क शेक बना दो, इसने बोला तुम मिल्क पी लो, मैं तुम्हारे को शेक कर देती हूँ। तो मैंने सोचा मैं दुकान से ले आता हूँ, तो वहाँ भी जाके ये मजाक सही हो। तो ये मजाक सा क्या मिला मुझे, ये बिल्कुल पिद्दू सा हेज़लनट चॉकलेट। मतलब बनाना था तो थोड़ा सा बड़ा ही बनाते, उनके पास मिल्क शेक था नहीं है कि यही मिला मुझे 10 रुपए का। पी के तो देखना बनता ही है, मुझे तो लग रहा है एक सिप में ना खत्म हो जाए। खत्म है, अब पक्का खत्म, मतलब कुछ सेकंड में खेल खत्म हो गया। सो फिलहाल नींद तो मुझे आई नहीं है, पर मैंने थोड़ा अपना क्लीन अप कर लिया, एंड साथ में ये चश्मा वैसे मैच से पहले आ जाना चाहिए था पर अभी डिलीवर हुआ। जो लास्ट चश्मा था वो मुझे किसी कारण रिटर्न करना पड़ा, एक्सपर्ट कमेंट्स जैसे आपने ब्लॉग में देखे तो सब, मैंने ये वाला शेड मंगाया, बताना कमेंट में कैसे लग रहा है। तो फिलहाल मैं बस घर वालों का भी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैच तो हम जीत ही गए हैं, तो साथ में आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी हमने देखना है। एंड उसमें एक अच्छी बात और भी आज खुशी की कि आज मेरे जो ताऊ जी हैं, ताई जी, वो भी आए हैं, तो उनसे मैं ऑलमोस्ट
5-6 साल बाद मिलने वाला हूँ, कनाडा से आए हैं, सुबह सुनी का वेट हो रहा है, तब तक मैं चश्मे के साथ थोड़ी फोटो शूट करा लेता हूँ। ज्ञान जा रहा है अपने कंपटीशन के लिए, बाय ज्ञान, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कौन लेके जा रहा है? एक बंदा है अपना मैच देखने। हाँ भाई, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सब रुक जाता है, हम ज्यादा सब। तो ज्ञान को हमने कर दिया रेडी, ज्ञान ऑल सेट, अभी तो प्रैक्टिस कर ले जा जैसे वो कर रहे हैं बच्चे। ज्ञान को विसल ही नहीं सुनाई दी, सारे बच्चे आगे निकल गए। ये सोच रहा है मैं कब निकलूं। तो क्या मिला दिखाओ? स्टार। पार्टिसिपेट करना ही बड़ी बात होती है। घर वापस, घर जाके देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच। फाइनली मैच इंडिया जीत गया है, पर हमारा जो प्लान था सारा वो हो गया है खराब। और डैडी गद्दे लेके चले, गद्दे गुद्दे लेके लिफ्ट के अंदर। हाँ चल भाई। सो मैच का हमारा जो आज का प्रोग्राम था वो था कि हम साथ में देखेंगे ताऊ जी के साथ मैच। तो ताऊ जी से मैं मिल रहा हूँ आफ्टर ऑलमोस्ट सेवन इयर्स। तो कनाडा से आए ताऊ जी, एंड हमारा आज मैच का प्लान था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच साथ में देखेंगे, पर हमारी वायर क्रॉस हो गई, बिजली खराब हो गई, हमारा सारा प्रोग्राम का सत्यानाश हो गया। मतलब एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एक इलेक्ट्रिशियन ने जो क्या सब कुछ करके स्विच ऑन नहीं किया। सही बात, और हम इनका वेट करते रहे कि ये घर आएंगे, तो ये घर नहीं आ पाए। हमारे को भी वापस ताऊ जी के घर आना पड़ा। तो अभी भूख लग रही है क्योंकि इन्होंने कुछ खाया नहीं तब से, तो हम लाया नहीं इन लोगों ने। तो हम सारे जा रहे हैं खाना पैक कराने के लिए, और खाना लेके आते हैं फिर स्नैक्स। हाँ स्नैक्स, चलो। बैटरी हो चुकी है ख़त्म, आंखें हो चुकी हैं लाल। सो फिलहाल मिलेंगे द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गुड पार्ट अबाउट द डे इज़ कि मौसम हो गया है चेंज, जो कल इतनी गर्मी थी आज बारिश शुरू हो गया। और एक बात और भी अच्छी रही, कल हमारा मैच था, अच्छा हुआ कल बारिश नहीं हुई वरना मैच कैंसिल हो जाता। एंड मैं तो अभी फ़िलहाल ताऊ जी के घर आया, तो कपड़े मैं गर्मी के हिसाब से ले गया था, हाफ टी शर्ट्स, और अभी तो मैंने फुल स्लीव्स पूरी कवर करके वो भी दीवान से निकाल के पहनी है, क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है, खासकर जब आप ऑफिस में काम करते हो, छुट्टी मिलना। सिर्फ सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती है, उसके अलावा अगर आप कोई भी छुट्टी मांगना चाहो ना तो वो बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो इसलिए मैंने ताऊ जी को बोला कि यार मुझे तो आप एक फुल स्लीव्स का निकाल दो, मैं रिक्स ले ही नहीं सकता। सो बस हम दोनों भी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सामान सामान लेने गए थे बारिश में, मौसम इंजॉय करते करते, एंड बाकी फिर देखते हैं रेस्ट ऑफ द डे क्या करते हैं या स्विमिंग करते हैं। हाँ करना है तो क्या करना है, क्योंकि बारिश है तो फिलहाल तो मौसम इंजॉय करते हैं एंड फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी गाइज, आई नो एंडिंग थोड़ी सी अब्रप्ट हो गई थी, बट
ये जो ब्लॉग था इट वॉज अ मिक्स ऑफ ऑल आई वुड से कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेशन एंड इमोशंस एंड आपकी लाइफ में कभी ऐसा दौर आता है कि आपको लगता है कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं एंड यू फील अ लिटिल लो. सो टू बी ऑनेस्ट जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा था मैं भी थोड़ा लो फील कर रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आई एम ट्राइंग सो हार्ड बट कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है. बट देन यू हैव सम पीपल अराउंड यू जो आपको सपोर्ट करते हैं मॉरली और आपको जब ये सपोर्ट दिखने को मिलता है तो आप फिर से राइज करते हैं. सो अभी जैसे मैं थोड़ा लो फील कर रहा था आउट ऑफ द ब्लू एक कज़न ने मेरे उसने एक पोस्ट डाली प्रमोटिंग माई चैनल सो दैट गेव मी अ बूस्ट अगेन. सो आल ट्राई माई बेस्ट क्योंकि जैसे कि आपने इस ब्लॉग में देखा कि आन ने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया चाहे वो जीता नहीं बट पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. सो अगर आप बिना ट्राई किए गिव अप कर दोगे देन इट्स ऑफ नो यूज़ एंड अगर आप ट्राई भी कर रहे हो तभी रिजल्ट नहीं आ रहे देन और ज़्यादा कोशिश करो रिजल्ट आएंगे. सो सेम वे मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा एंड यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. आपको जो अच्छा लगता है वो करें एंड मैं चाहता हूँ ये चश्मा अच्छा लग रहा है. So see you again. Bye.